नाइन्थ क्लास हमने फर्स्ट लेसन शुरू करा हुआ है द मैजिक वॉयलन। उसके आगे हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं वेजेस मजदूरी। क्राइड द फार्मर एंग्रीली, फार्मर जो था वो गुस्से से चिल्लाया वेजेस मजदूरी। आई नेवर सेड एनीथिंग अबाउट द वेजेस, मैंने मजदूरी के बारे में आपसे कभी नहीं कहा था। व्हेन आई गेव यू वर्क, जब मैंने आपको काम दिया था। दैट इज सो, ये ठीक है, आंसर द बॉय, लड़के ने कहा। बट नो वन एवर वर्क्स फॉर नथिंग, पर कोई भी बिना कुछ लिए काम नहीं करता। आई डिड नॉट सेटल द वेजेस, मैंने मजदूरी को सेटल नहीं किया था। देन बिकॉज आई थॉट, क्योंकि मैंने सोचा था यू आर जस्ट मैन, कि तुम एक अच्छे आदमी हो। कहता हाँ मैंने मजदूरी के बारे में बात नहीं की थी, लेकिन ये थोड़ी है कि काम करता हूँ और मुझे मजदूरी नहीं दी जाएगी, ऐसा तो कह मैंने सोचा भी नहीं था। एंड आई एम अ जस्ट मैन, रोर द फार्मर, रोर होता है गर्जना, गर्ज कर किसान ने कहा, चिल्लाया मतलब, और मैं एक अच्छा आदमी हूँ। नो वन हैज़ एवर टोल्ड मी, किसी ने भी मुझे नहीं कहा। दैट आई वॉज नॉट दैट बिफोर, इससे पहले कि मैं ऐसा नहीं था। यू शैल सी, तुम देखते हो। आई विल पे योर वेजेस, कि मैं तुम्हारी मजदूरी तुम्हें दूंगा। इवन दो आई डू नॉट ईव यू एनी, जबकि मैंने तुमसे इसके बारे में कभी भी कोई बात नहीं की है। देन ही गेव द बॉय 3 copper coins फॉर 3 years वर्क, तब उसने लड़के को 3 copper के सिक्के दिए 3 सालों के काम के लिए। द बॉय लुक्ड एट देम, लड़के ने उनकी ओर देखा एंड लाफ्ड, और हंसने लगा। ही पुट द कॉइन्स इन हिज पॉकेट, टुक हिज शैबी हैट एंड वेंट ऑफ विस्लिंग, उसने जो पॉकेट में वो सिक्के डाले और उनको उसका अपना गंदा हैट उसने उठाया और सीटी, विस्लिंग होता है सीटी बजाते हुए, वहाँ से वो चल पड़ा, निकल गया। मतलब उसने 3 copper के सिक्के वहाँ से ले लिए हैं बेटा। एंड दैट नाइट, उस रात ही स्लेप्ट अंडर अ हे स्टेक, वो एक झाड़े के ढेर के नीचे, मतलब भूसे के ढेर के नीचे सो गया था। एंड इन द मॉर्निंग, और सुबह में, व्हेन ही वोकअप, वोकअप मतलब जागना, जब वो जागा, ही सॉ एन ओल्ड बेगर इन फ्रंट ऑफ हिम, उसने अपने सामने एक बूढ़ा भिखारी देखा। द बॉय स्माइल्ड एंड सेड, लड़का हंसने लगा और कहने लगा, गुड मॉर्निंग माई फ्रेंड, यू आर आउट ऑफ बेड अर्ली, अब तुम जल्दी ही बेड से उठ जाओ। आई एम, रिप्लाइड द बेगर, उसने कहा ठीक है मैं, उसने आंसर दिया। आई वॉज सो हंग्री, मैं बहुत भूखा था। दैट आई कुड नॉट हैव स्लेप्ट, इसलिए मैं सो नहीं सका। इवन इफ आई हैड अ बेड ऑफ फैदर्स टू लाई ऑन, जबकि मुझे पंखों का बेड भी मिला था लेटने के लिए। कैन यू स्पेयर मी ए कॉपर कॉइन और टू, क्या कहता तुमने मेरे लिए 1 या 2 copper के coin मुझे दे सकते हो। आई एम सो हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ। द बॉय पुट हिज हैंड इन टू हिज पॉकेट, लड़के ने पॉकेट में हाथ डाला एंड टुक आउट द 3 copper coins, और वो 3 copper के सिक्के उसने निकाले। दैट वर हिज वेजेस फॉर 3 years, जो उसकी मजदूरी थी 3 सालों की। टेक दिस, इनको ले लो, ही सेड चीयरफुली, उसने खुशी खुशी कहा। इट टुक मी अ लॉन्ग टाइम टू अर्न देम, कहता मुझे बहुत सारा समय लगा है इनको कमाने में। बट आई कैन गो बैक टू द कोर्ट्स अगेन एंड अर्न सम मोर, पर मैं वापस उन बकरियों के पास ही चला जाऊंगा और कुछ और ज़्यादा अर्न मतलब होता है कमा लूँगा। ऐसे बैकर टुक द 3 copper coins, जैसे ही बैकर मतलब भिखारी ने वो 3 copper के सिक्के लिए, हिज रैग्स फेल फ्रॉम हिज बॉडी, उसके शरीर से जो फटे पुराने कपड़े थे वो गिर गए। एंड इन देयर प्लेस, और उसकी जगह पे अपीयर्ड अ ब्लैक वेलवेट क्लॉक विद सिल्वर वर्क ऑन इट, एक काले रंग का मलमल का जो उसका था कोट आ गया, जिस पर चांदी का काम सिल्वर का वर्क हुआ हुआ था। यू आर अ गुड लैड, आई सी, मैंने देखा तुम एक अच्छे लड़के हो, सेड द ओल्ड मैन, वो बूढ़े आदमी ने कहा। आई एम नॉट अ बेगर, मैं एक भिखारी नहीं हूँ। आई एम एन एंजल, मैं तो एक फरिश्ता हूँ। आई कैन ग्रांट यू 2 wishes, मैं तुम्हें 2 जो है वो विशेज देता हूँ। वट डू यू वॉन्ट, तुम क्या चाहते हो। आई कैन ग्रांट गिफ्ट्स टू दोज हु डिज़र्व देम्स, मैं जो डिज़र्व करते हैं मैं उनको गिफ्ट देता हूँ, मतलब तोहफे देता हूँ। द बॉय थॉट फॉर अ मोमेंट, लड़का एक पल के लिए सोचने लगा एंड सेड, उसने कहा, आई वुड लाइक टू हैव अ वॉयलन, मुझे एक वॉयलन चाहिए विच प्लेस म्यूजिक टू मेक ऑल मैन डांस, जो उसमें से ऐसा संगीत निकले कि सभी जो हैं वो
क्या करें, नाचें, उसको सुनकर नाचने लगे। एंड अ गन, और एक मुझे ऐसी बंदूक चाहिए दैट विल ऑलवेज हिट द थिंग एट विच आई एम, जो हमेशा उस चीज़ पर जिस पर मैं निशाना साधूँ उसको हिट करे, मतलब वहाँ पे लग जाए उसकी गोली। द ओल्ड मैन स्माइल्ड, वो हंसने लगा बूढ़ा आदमी। एंड एट वंस फ्रॉम बीनीथ हिज क्लॉक ही ब्रॉट आउट अ वायलिन एंड अ गन, उसने गाउन पहना हुआ था उसके नीचे से ही उसने एक वायलिन निकाली और एक बंदूक। ही गेव देम टू द बॉय, उसने वो लड़के को दे दी।